दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सियासत के सामने सबसे बड़े पंडित चाणक्य गुरु ने कहा है कि दुश्मन से मुकाबला हो तो उसकी वो हालत कर दो कि वो दोबारा शरारत करने की सोचे भी नहीं। कूटनीति के इस खेल में अपने प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी चाणक्य गुरु से भी दो हाथ आगे की चीज़ हैं। वो दुश्मन को पुरस्कार देकर उसे सजा देते हैं। जी हाँ, दुश्मन के पत्थर के बदले फूल। अब देखिए कहानी आपको समझाते हैं क्यों वो पत्थर के बदले फूल देते हैं। अभी चीन के मामले में उन्होंने क्या किया है, जिस चीन ने अपने पूर्वोत्तर इलाके में चरस बो रखा है उसी चीन को मोदी जी ने रेल का एक बड़ा ठेका दे दिया है। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, जो चीन डोकलाम और हमारे देश का जो अरुणाचल प्रदेश है उसके इलाके में लगातार हमें चुनौती दे रहा है। चीन हमारी सरजमी पर गांव और पुल बनाने में लगा हुआ है। उसी चीन को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेल के 39,000 पहिए बनाने का ठेका दिया है। कितना? 39,000 रेल के पहिए। इकोनॉमिक टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से जो खबर दी है उसके मुताबिक वंदे भारत, जो कि वंदे मातरम के नाम से शुरू की गई थी, वंदे भारत ट्रेन में लगने वाले 39,000 ट्रेन के पहियों का ठेका चीन की एक कंपनी को दिया गया है। ये जो वंदे भारत ट्रेन है इसका नाम जो है वंदे मातरम से लिया गया है। अब आप कहेंगे कि ये कैसा पागलपन है कि जो देश हमारी सरजमी पर बुरी तरह नज़रें गड़ाए हुए है उसे ही इतना बड़ा ठेका दे दिया। जनाब यही तो है अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की क्वालिटी वाली कूटनीति। चलिए आपको पॉइंट दर पॉइंट बताता हूँ कि मोदी जी ने कैसे चीन को ठेका देकर उसे जलील किया है। ये 39,000 रेल का जो पहिया है वो बनाने के लिए चीन को दिया है। सबसे पहले तो आप ये गौर कीजिए कि मोदी जी ने चीन को किस रेल के पहिए का ठेका दिया है। मैंने आपको बताया उस ट्रेन का नाम है वंदे भारत, वंदे भारत ट्रेन। मतलब मोदी जी के वंदे भारत, जो कि वंदे मातरम से बनी हुई है, ट्रेन का भार कौन ढोएगा? चीन। हम नारा लगाते हैं वंदे मातरम, हमारे नारे का लोड कौन लेगा? चीन। ये मोदी जी की कूटनीति का पहला अहम पहलू है। अब दूसरा पहलू समझिए, और दूसरा पहलू क्या है कि जो चीन को ठेका किसका दिया है रेल पहिया बनाने का। अब चीन के लिए संदेश साफ है, ये जो कूटनीति है साफ है, अगर इंजन बोगी का ठेका भी चाहिए तो सीमा पर शरारत करना बंद करो। जिनपिंग समझदार होंगे तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये संदेश ज़रूर समझ जाएंगे और आगे मोदी जी से बड़ा ठेका लेने के लिए अपनी घुसपैठ वाली आदत में कुछ न कुछ ज़रूर थोड़ा बहुत सुधार करेंगे। अब आगे का पहलू समझाते हैं आपको। इस खबर का तीसरा पहलू ये है कि भारतीय कंपनियों को मोदी जी ने संदेश दे दिया है कि आप लोग दूसरे देशों में, अन्य देशों में काम काज की संभावना को तलाशिए, यहाँ के सरकारी ठेके के जरिए तो हम चीन जैसे दुश्मन देश को सेट करेंगे। देश की सरकारी कंपनियों पर तो मोदी जी को वैसे ही अब भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी की कूटनीति के और भी पहलू हैं जिन पर अभी लोगों की नज़रें नहीं जा रही हैं। वो क्या हैं जो अलग अलग पहलू हैं? उन्होंने चीन के घुसपैठ के बावजूद उससे प्रगाढ़ आर्थिक रिश्ते रखकर अमेरिका को भी कड़ा संदेश दिया है। चलिए मैं बताता हूं वो क्या है जो कड़ा संदेश दिया है, उसके पहलू के बारे में विस्तार से आपको बताता हूं। जब से बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से वो मोदी जी से सुरक्षित दूरी बनाए हुए हैं, जो डिस्टेंस कहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए हुए हैं। अभी क्वाड के सम्मेलन में भी मोदी जी जब लपक कर उनके गले लगने चले तो अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन ने हौले से उनसे किनारा कर लिया। आपने वो तस्वीरें भी देखी, तस्वीर को गौर से देखिएगा। ये तस्वीर वहीं की है, मोदी जी किस अंदाज में बाइडन की तरफ
बढ़ रहे हैं, लेकिन देखिए बाइडेन साहब किस अंदाज में उनसे कन्नी काट रहे हैं। तस्वीर को बहुत ध्यान से देखिएगा, और ये तस्वीर हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। ज़रूर मोदी जी का गले पड़ने का पुराना अंदाज उनके जहन में होगा। बराक ओबामा से लेकर ट्रंप तक से मोदी जी जिस अंदाज से गले मिले थे, वही बाइडेन के मन में रहा होगा। बाइडेन के गले पड़ने चले हमारे मोदी जी ज़रूर मन महसूस करके रह गए होंगे, लेकिन आप इस तस्वीर के दूसरे पहलू पर गौर फरमाइए। अब जब बाइडेन साहब को ये खबर मिली होगी कि भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेल पहिए का ठेका चीन को दिया है, तो वो कैसे तिलमिलाए होंगे। मुझे पूरा विश्वास है अब जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं बाइडेन साहब हैं, वो भी समझ गए होंगे कि मोदी जी से ठेका लेना है तो फिर उनसे गले मिलना ही होगा। ये मोदी जी का कूटनीति का वो पहलू है जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और तारीफ करनी भी चाहिए। मोदी जी, मुझे पूरा विश्वास है, अटूट विश्वास है कि चीन को रेल का ठेका देकर आपने कूटनीति के क्षेत्र में जो मिसाल कायम की है उससे दूसरे देश ज़रूर प्रोत्साहित होंगे और प्रेरणा भी लेंगे। आप दुश्मन देश के साथ अपनी कूटनीति को इसी तरह परवान चढ़ाते रहिए। मेरी, खास करके मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि जिस तरह चीन को ठेका देकर आप उससे अपना रिश्ता सुधारने में लगे हैं, कुछ वैसी ही पहल पाकिस्तान के साथ भी कर दीजिए। आखिर वो भी तो हमसे दुश्मनी करने के मामले में चीन से कम तो है नहीं, बल्कि चीन से ज़्यादा ही है, और ये दुश्मनी लगातार पाकिस्तान से चली रही है। नमस्कार।